रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो मेरे देख लगता है जितने भी लोग बीमार हैं, लगता है सबको तंदुरुस्ती है ताहर में, और इसके साथ साथ जितने लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे और अल्लाह ताला जो है ना सबकी मुश्किलों को भी आसान फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आके उन लोगों को स्टार्ट करती हूँ। तो अभी जो है ना शाम के तकरीबन जो है ना 6 बजे है, शाम के खाने का टाइम हो गया। तो सबसे पहले जो है ना शाम का खाना बनाने लगी हूँ। तो आज जो मैं बना रही हूँ, गर्मियों में जो है ना पहली दफ़ा बना रही हूँ, तो बस अभी जो है ना जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ क्योंकि फिर लाइट भी जो है ना वो जाने वाली है। तो आज जो है ना खाने में बनाने अरवी बैंगन। तो अरवी जो है जी, अरबी बैगन नहीं। क्या खाना है आपने? मैंने बस छालन के साथ अरबी खानी। बस अरबी खानी है? अब जब मैं बनाऊंगी ना फिर आप देख लेना क्या खाना, जो मर्जी खा लेना। तो अरबी जो है ना अभी फिलहाल छीनने लगी, और इसके साथ ये बैंगन जो है ना ये भी छीनने लगी। तो बैंगन जो है ना फ्रेश है, गर्म पानी है। बस आप नहीं कहना गर्म पानी इधर आज लाइट से चाहिए। तो मुझे आपको और भी छीनने से खारिश नहीं होती? होती है, फिर बस फौरन हाथ धो लेती हूँ ना फिर सही हो जाती है। जी मैं गाली पकड़ लूँ फिर भी खारिश होती है। चलो आप ना पकड़ करो ना, खारिश मट्टी होती है ना इसमें, इसलिए इशार इकरा आप इसको ऊपर ले जाओ, गर्मी बहुत है नीचे। तो सारी अरवी जो है मैंने छील ली है, सबसे पहले जो है इनको धो लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ना फिर ये बैंगन छील लेती हूँ, पहले अरवी धो के रख देती हूँ, फिर हाथों पे जा ऊपर चल रहा ना, फिर हाथों में खारिश होने लग जाती है, इसलिए मैं पहले इनको धो के रख देती हूँ। मैं अरवी को ना मैंने अच्छी तरह से धो लिए, अब बैंगन छील लेती हूँ, साफ सुथरी हो गई है। क्या किया ये? ये क्या किया? छुरी को भी धो के आती हूँ, छुरी को जो है मैंने धो लिया किसी तरह से। बैंगन को छील लेते हैं पहले। तो कई लोग जो है ना बैंगन को छीलते नहीं है, छिलके समेत ही बनाते हैं, लेकिन मैं जो है ना हमेशा बैंगन छील के बनाती हूँ। मुझे कीड़ा ना उधर से साथ ही सो जाती है, नींद आ रही होती है, सब की जूठी होती थक जाती है। मुझे अभी तक बैगन नहीं काटे, बस कट गए हैं, एक रहता है बस। नीचे गिर गया, उठाना बैगन से। ये लो मां। चलो जी सारे बैंगन काट लिए, अभी इनमें पानी डाल के रखती हूँ। इनमें पानी डाल के रख देती हूँ ताकि ये काले ना हो, फिर इनको बाद में धोती हूँ। अरवी और बैंगन बनाने के लिए जो है सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। बैंगन को जो फिर मैं टोकरी में डाल के अच्छी तरह से धो लिए, और इसके साथ सारे मसाले भी जो है ना वो निकाल लिए हैं, वही काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हसबे जायका नमक और हल्दी और सूखा धनिया। काली मिर्च मैंने निकाली नहीं क्योंकि वो एंड में डालेंगे, और उसके साथ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए ये काट लिए, और सब्ज़ी मिर्ची लिए 6 से 7 उनको दरमियान से मैंने कट कर लिया, और ये धनिया जो इतनी सी रह गई है गर्मी में थोड़ी सी मुरझा गई थी, तो मैंने इनको अच्छी तरह से धो लिए। साथ ही मैंने अदरक लहसुन और इसके अंदर 2 चम्मच जो है ना वो घी के डाले। अदरक लहसुन हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया, मैं इसमें टमाटर सब मिर्च डाल दिए, अब जो है ना सारे मसाले डाल देती हूँ। पानी डालना ताकि हमारे टमाटर जो है ना वो गल जाए, टमाटर जो है ना हमारे अच्छी तरह से गल गए तकरीबन। तो अब जो है ना मैं इसमें डाल देती हूँ ये अरवी जो बड़ी थी ना, मैंने उनको दरमियान से कट कर लिया। अरवी डाल के जो है ना मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी सारे मसाले के साथ। तो माशाल्लाह से कलर है ना बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त था। अभी जो है इसको तकरीबन 5 मिनट तक भून लेती हूँ अरवियों को। तो अरवी जो है ना हमारी अच्छी तरह से भून गई है सारे मसाले में, और टमाटर भी जो थोड़े से रह गए थे वो भी अच्छी तरह से गल गए। तो अब जो है इसमें ये बैंगन डाल देती हूँ,
सारे बैंगन डाल देने इसमें। बहुत ज़्यादा भरी हुई है तो हाथ से डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। सारे बैंगन जो है मैंने डाल दिए, अभी जो है इसको मिक्स करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि फुल जो है कढ़ाई भर गई है। अब इसको आराम आराम से मिक्स करती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने। अभी जो है इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी डाल देती हूँ। अब जो है ना हम इनको ढक देते हैं पकने के लिए। तो साथ साथ जो है ना मैं गूंद देती हूँ आटा, ये धनिया पड़ी इनको साइड में कर देती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ। क्या करिए ज़हनब रख दो इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण उठ गई है? नहीं, मुझे वो सुबह मंदिर से जाती है फिर आती भी थक जाती है। आप भी थक जाती थी स्कूल तक? थोड़ा थोड़ा। आप तो छुट्टियां हैं फिर इसलिए गर्मियों के, इसलिए आराम से सोते हैं। चलो मैं तो गूंद रही हूँ आटा, आपकी तो छुट्टी है मेरी थोड़ी ना है। तो माशाल्लाह से हमारे अरवी और बैंगन जो है वो पक रहे हैं। अभी जो है बैंगन का बहुत सारा पानी निकला है। तो 10 मिनट के बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं और तो पानी भी इनका जो निकला है। ऐसा लग रहा है जैसे इनका ये शोरबा, लेकिन मैंने जो है सारा पानी इसका खुश कर लेना, तो इसलिए जो है इसको दोबारा से ढक देती हूँ। तो नमक जो है मैंने चेक किया, थोड़ा सा फीका है, तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। इसको जो है ना अगेन ढक देती हूँ। आटा जो है मैंने गूंथ लिया जी, इसको उठा के जाने इधर रखती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो इसको जो है इधर रख दिया। अब रोटी है तवा का है, तवा मैंने रख दिया, रोटियाँ बना लेते हैं साथ साथ। और हमारा अरवी और बैंगन जो है इधर पक रहा है, इसकी भी आँच जो है तेज़ कर देती क्योंकि पानी जो है बहुत ही ज़्यादा है। बैंगन तकरीबन पक गए, अब इसके ऊपर डाल देते हैं काली मिर्च। काली मिर्च जी, काली मिर्च डाल के हम दोबारा से इसको ढक देते हैं। साथ साथ हमारी रोटियां भी बन रही हैं। तो माशाल्लाह से हमारी अरवी और बैंगन जो है अच्छी तरह से पक गए, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया। अब डालते हैं इनको प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त जो है ना खुशबू आ रही है। तो अरवी और बैंगन जो है मैंने प्लेट में डाली, तो अब जो है ना इसके ऊपर धनिया डालती हूँ। तो जो है बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। किस किस चलो आ जाओ बच्चों। चलो जी रखो भाई, किरण पकड़ो लगी सबसे ज्यादा आपको। बिस्मिल्लाह। रात के तकरीबन 9 से ऊपर हो गया टाइम, हमारा शाम का खाना खा लिया जी। मैं हार गई। आप हार गई हो? और कुछ चाहिए शाम को? ये क्या और भी शहर को और भी चाहिए। तो आज भी जो है ना मैं ये फ्रॉक बनाने लगी हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं पजामे काट रही हूँ। पजामे की कटिंग आसान ही होती है, बस निकालना है और हमने इसको सीधा से कट कर लेना। तो पजामे हमारी बन जाती है। फ्रॉक में थोड़ी सी मुश्किल है।
जामी कटी है, ब्लू लैस ली है, ये जोड़ लैस है, इसको हम लगाएंगे, इसको लगाएंगे और इसके साथ रेड लैस ली है। तो इन दोनों लैसों की जो है डिज़ाइनिंग करेंगे, क्योंकि कपड़ा जो है बिल्कुल प्लेन है इसलिए। तो पहले फ्रॉक की कटिंग कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह होगी। तो इसकी पेटी भी जो है मैंने काट लिए, ये गला भी जो है मैंने कट कर लिए। अब इसको इस्त्री लगाती हूँ। बिस्मिल्लाह बाजू रह गई है, तो हाफ बाजू ली क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा, तो हाफ बाजू मैंने कट कर लिए। ये बाजू भी काट लिए और सारी कटिंग वगैरह हो गई। अभी पहले इस्त्री की लगा लेती हूँ। तो पेटी के ऊपर मैंने अभी गला नहीं लगाया, इसको जो है ना शोल्डर की मैंने थोड़ी सी 2 इंच की जगह छोड़ने के बाद इधर से कट कर लिया। अभी जो है ना मैं इधर ये वाली लैस लगाऊंगी, ये जोड़ लैस, मतलब कि इसको ऐसे करके ऐसे लगाऊंगी। तो अभी जो है ना मशीन पड़ी हुई नीचे, तो नीचे बैठ के अभी सिलाई करती हूँ आज, क्योंकि आज जो है ना खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए जो है ना मैं बैठ के सिलाई करती हूँ। तो ये लैस जो है ना मैं बाजू में लगा रही हूँ, अभी जो है ना मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। पे लगा लिए मैंने दोनों बाजू पे लगा लिए, और इधर पे मैंने लैस लगा ली थी। अब गला इसका जो है स्टिच करने लगी हूँ। गला जो है मैंने काट लिया, अब जो है मैं इसको लगाने लगी हूँ। इसको मैंने प्रेस भी कर लिया है। बिस्मिल्लाह टाइम क्या हो गया, गले के ऊपर ये तो करते हैं, गले के ऊपर दोबारा सिलाई करते हैं। टाइम क्या हो गया, 11:30 हो गई है, पता नहीं चला। दरमियान में जो है इसके मैंने ये दिल बनाया, दिल दिल पाकिस्तान याद आ गया। अगर दिल टूट गया फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको दोबारा से जोड़ देंगे। तो अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ, गला मैंने लगा दिया, अब इसकी हो शाल बैठी हुई है, शाल भी साथ बैठी हुई है। ये फ्रॉक बन गया, इसकी जो जो मैंने इसकी दिल बनाया था ना, इसके इधर जो है ना मैंने ये मोती लगा दिए हैं, 2 जो है ना मैंने इधर पॉकेट्स लगाई हैं। अभी जो है ना मैंने इसको सुई के साथ कच्चा कर दिया, अभी मैंने सिलाई नहीं की क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया, रात के तकरीबन 12 से ऊपर हो गया टाइम की। सिलाई जो है ना मैं इसकी सुबह को करूँगी, और नीचे भी जो है ना ये रेड कलर की लैस लगा दी है, और इसकी बाजू पर भी लैस है। तो माशाल्लाह से हमारा फ्रॉक जो है ना वो बन गया है, और इसके साथ ये ट्राउज़र है, इसका ट्राउज़र में भी जो है ना मैंने ये जोड़ लैस लगाई है, और इसके नीचे रेड लैस लगा दी है, और ये तकरीबन जो है ना हमारा फ्रॉक बन गया। लेकिन अभी जो है ना ये जो पॉकेट्स की सिलाई है ना ये नहीं की अभी तक। शाल सो गया। और आप नहीं सोई? मुझे नहीं सो जा, फ्रॉक बन गया जी, बन गया, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा जी, बहुत प्यार लग रहा। बस बच्चे वगैरह जो है ना वो तकरीबन आधे सो गए, तो इसी के साथ ही फिर अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।